शुजा हक हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुजा, ये जो दो जैश के अहम कमांडर और मास्टरमाइंड पुलवामा आतंकी हमले के माने जा रहे हैं, इन दोनों के जो आइडेंटिटी है उसकी पुष्टि कब तक हो पाएगी, कब तक इस बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी? जी देखिए, ये बताया जा रहा है कि दो जो बॉडीज़ हैं वो रिकवर की गई हैं। अभी तक आइडेंटिटीज़ जो है उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सुरक्षा बलों के पास जो जानकारी थी उसके हिसाब से कामरान जो जैश ए मोहम्मद का एक बहुत बड़ा कमांडर माना जाता है वो फंसा हुआ था। बताया जा रहा है कि कामरान गाजी से भी बड़ा कमांडर इस वक्त जैश ए मोहम्मद का कश्मीर घाटी में सक्रिय है, और इसके मारे जाने की खबर अगर उसकी अगर पुष्टि हो जाती है तो एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए होगी। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जब से सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे हमला हुआ तब से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसीज इन लोगों के पीछे पड़ी हुई थी, इंटेलिजेंस जमा करने की कर रहे थे, और लगातार इस बात के बारे में पता लगाया जा रहा था कि इन लोगों के छुपने का ठिकाना कहाँ पर है, और कल रात को उसकी पुष्टि हो गई और तभी से ये एनकाउंटर जो है वहाँ पर पुलवामा में जारी है। हालांकि अभी इंतजार करना होगा कि इस बात को लेकर पुष्टि हो पाए, लेकिन लगातार इस बात का हम जिक्र भी कर रहे हैं शुजा कि इन दो कमांडर्स का मारा जाना लोकल नेटवर्क जो आतंकवादियों का वहां पर है और पुलवामा में जो हमला हुआ उसके मद्देनजर कितनी बड़ी कामयाबी इसे समझा जाए? देखिए, अगर इस चीज़ की पुष्टि हो जाती है कि कामरान जैसे कमांडर को मार दिया गया है इस एनकाउंटर में, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि सुरक्षा बलों के लिए होगी, क्योंकि कामरान के बारे में बताया जा रहा है कि ना सिर्फ वो खुद जो ऐसे हमलों में शामिल होता था बल्कि और लोगों को भी प्रेरित करता था। सुरक्षा बलों की माने तो जो आदिल सुसाइड बॉम्बर आदिल जिसने सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे हमला किया उसको सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए भी कामरान का एक बहुत बड़ा हाथ उस पूरे के पूरे जो है प्रक्रिया में रहा है, और इसी वजह से इसका मारा जाना जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर में है और जिस तरीके के सुरक्षा बल काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ। तो तभी से आज सुबह से ही लगातार जो टॉप ऑफिशियल्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वो बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये, और आज जब तक ये ऑपरेशन ख़त्म होगा तब तक ये भी हमारे सामने साफ जाहिर होगा कि कौन लोग आखिर इन तीनों में थे और किस तरीके की रणनीति अपनाई गई इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। शुजा, साथ ही एक बात जो और आपसे जानना चाहेंगे, पहले ही कहा जा रहा था कि ऑपरेशन ऑल आउट में पूरी तरह से जड़ से सफाया कर दिया गया है, सभी तरह के आतंकवादी जो हैं वहां से एक तरह से हटा दिए गए हैं या उन्हें मार दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जैश की ये जो जड़ें मजबूत हुई, जिन्होंने इतना हौसला पाया कि वो इस तरह से हमारे जवानों पर अटैक कर सके, आखिरकार इसका जन्म, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? ये एक रीसेंट एक्टिविटी है? देखिए, अगर जैश की बात करें तो पिछले दो सालों से अगर पूरा स्पेसिफिकली देखा जाए तो उनकी एक्टिविटीज़ जो कश्मीर घाटी में वो बढ़ी हुई हैं, और काफ़ी सारे लोग बताया जा रहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेशन करके कश्मीर घाटी में घुसे हुए हैं, और इनमें से बहुत सारे मिलिटेंट्स जो है साउथ कश्मीर में ही बसे हुए हैं। तो जैश का एक बहुत ही एक खास मखसूस तरीका होता है हमला करने का, और सुसाइड बॉम्बिंग या सुसाइड हमला जो है ये भी जैश का ही एक री इन्वेंशन है कश्मीर घाटी में। अगर आप देखें तो पिछले साल भी कई सारे इस तरीके के सुसाइड हमले हुए जिनमें जैश ने ही एक हिसाब से अब जैश का ही शामिल होना साबित हुआ, और इस बार भी जिस तरीके का ये हमला हुआ उसमें भी साफ साफ ये बताया जा रहा था कि जैश मोहम्मद का ही हाथ था। सुरक्षा बलों का जहां तक कहना है कि इस हमले के पीछे एक बहुत बड़ी जो साजिश रची गई, प्लानिंग की गई, और कई हफ्तों से ये प्लानिंग हो रही थी। बताया जा रहा था कि जिस तरीके से एक्सप्लोसिव आरडीएक्स जमा किया गया, जिस तरीके से एक लोकल लड़के को आदिल जो सुसाइड बॉम्बर बना उसको तैयार किया गया, जिस तरीके से जगह जो है चूज़ की गई, और ये भी जिस तरीके से कॉन्वॉय के पीछे चलते चलते हमला किया गया,
साफ इस चीज के ऊपर इशारा करता है कि जैश ए मोहम्मद का एक साफ रणनीति थी कि ये हमला करना है और बहुत बड़ा हमला करना है कश्मीर घाटी में। और सुरक्षा बलों का अभी भी कहना है कि अभी भी काफी सारे जैश के जो ये आतंकवादी हैं कश्मीर घाटी में, खासकर साउथ कश्मीर में, जिनके हम रुक करना चाहेंगे। अशरफ का भी, उनके पास कोई नई जानकारी है इस हमले को लेकर? अशरफ, दरअसल मीनाक्षी, अभी तक फिलहाल ये मुठभेड़ जो है खत्म तो हो गई है, लेकिन अभी भी जो है जो लीड्स हैं उन पे काम हो रहा है। तो माना जा रहा है कि शायद और एक इस इलाके में छुपा हो सकता है जैश का मिलिटेंट, जिसको लेकर ऑपरेशन को अभी खत्म नहीं किया गया है। ऑपरेशन अभी जारी है, तलाशी अभियान का ऑपरेशन, और उस पर काम हो रहा है। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि लगातार कोशिश थी पिछले 3 दिन से पुलिस और सुरक्षा बलों की, उन्होंने कई लोगों को गिरफ्तारी करके उनके पूछताछ करके फिर उनके पूछताछ से निकले गए खुलासे के बाद और चीजों पर काम करना शुरू कर दिया है। तो उस बीच अभी भी जो है तलाशी अभियान आसपास के इलाकों में जारी है, क्योंकि कुछ स्थानीय मिलिटेंट हैं जो पिछले कुछ महीनों में एक्टिवेट हुए हैं, उन का माना जा रहा है कि वो भी आसपास छुपे हो सकते हैं इस कमांडर के साथ, जैश कमांडर के साथ, जिसका नाम कामरान भी बताया जा रहा है। और यहाँ तक कि कई एजेंसियों का कहना है कामरान और गाजी एक ही है, यानी ये बहुत बड़ी बात ये है कि जो गाजी अब्दुल रशीद का नाम प्रोजेक्ट किया गया था जैश की तरफ से, वही ऑपरेशनल कमांडर है। और कई एजेंसीज का ये भी मानना है कामरान और गाजी रशीद एक ही है, कई जगहों पर उसका नाम एज कामरान प्रोजेक्ट किया जा रहा था, कई जगहों पर एज गाजी अब्दुल रशीद। लेकिन अभी फिलहाल जब शव तो मिले हैं पुलिस और सुरक्षा बलों को, उनकी पहचान के बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसी में फिर चीजें जो है पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। यानी कि अशोक, ये माने कि अभी आइडेंटिटी आने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कामरान और गाजी एक ही आतंकी का नाम हो सकता है, दो अलग अलग नामों से वो ऑपरेट कर रहा था। लेकिन जिस तीसरे आतंकी की आशंका इस वक्त जताई जा रही है, क्या माने, अभी तक पूरी तरह से इलाका सैनिटाइज नहीं हुआ है? अभी तक फिलहाल जो मलबा था, जो घर में जहां पर ये मुठभेड़ हुई थी वहां पर, उसमें और भी सैनिटाइज और तलाशी दी जा रही है। या तो सुरक्षा बलों को इस बात का शक है कि तीसरा शव भी उनको मिलना चाहिए, या फिर उनको ये आशंका है कि हो सकता है वो आसपास कहीं छुपा हो, तो इसीलिए जो है तलाशी अभियान अभी जारी है। क्योंकि ये सभी जो ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाते हैं, जिनको हम एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन कहते हैं, ये हमेशा खुफिया सूत्रों की जानकारी पर होती हैं और उसी को लेकर लीड होते हैं, और जो गिरफ्तारियां होती हैं उनसे पूछताछ करके की जाती हैं, तो उसी तरह से ये ऑपरेशन भी चल रहा है। अच्छा, लौटते हैं आपके पास और इन्फॉर्मेशन के लिए। मंजीत नेगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मंजीत, देखिए पुलवामा में इस वक्त ये एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की देखी जा रही है, जिसमें जैश के 2 कमांडर मारे गए हैं, और यकीनन दिल्ली की भी पूरी नजर इस वक्त होगी जम्मू कश्मीर की स्थिति पर। किस तरह की हलचल आप दिल्ली में देख रहे हैं अभी? देखिए मीनाक्षी, ये दूसरा हमला है पुलवामा में, और इस वक्त सेना का जो ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर आज, क्योंकि सोमवार है, अभी थोड़ी देर बाद जो सेना प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत, वो 11 बजे के आसपास रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को पूरे मामले की जानकारी देंगे। और पिछले 2-3 दिनों से, खासतौर से CRPF पे हमले के बाद से, सेना अपने स्तर पर लगातार मामले को देख रहे हैं, और इस वक्त थोड़ी देर के बाद सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को पूरी मामले की जानकारी देंगे। और वहाँ पर जो हालात हैं, खासतौर से मेरे पीछे जो सेना मुख्यालय है, यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर रणनीति बनाई जाती है, और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि हो सकता है सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत आज या कल में श्रीनगर का दौरा करें, क्योंकि वहाँ पर जो हालात लगातार जिस तरह से बिगड़ रहे हैं उसको लेकर, वहाँ पर जो जमीनी हालात हैं उसको लेकर जो आर्मी कमांडर हैं वहाँ पर, खासतौर से 15 कोर कमांडर के अलावा और जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं उनके साथ भी वो बैठक करेंगे। जी बिल्कुल। साथ ही मंजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, किस तरह की रणनीति पर आगे भी विचार किया जा सकता है? क्या इसी तरह से ही फुल फोर्स आर्मी फुल एक्शन में एक के बाद एक वहां पर वार करेगी, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि इस तरह का हमला अब आगे कभी दोबारा ना, और कोई आतंकी नजरें तरेर कर भारतीय सेना की तरफ ना देख पाए? देखिए नेहा, सरकार की तरफ से खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारी कीमत चुकाने की बात कही है आतंकियों को, उसको लेकर एक बात सेना मुख्यालय में और तीनों सेनाओं की तरफ से कही जा रही है। जिस तरह से वायुसेना प्रमुख ने भी अपने युद्धाभ्यास के दौरान इस बात को दोहराया कि वायुसेना पूरी तरह से तैयार है, तो सेनाओं की तरफ से, खासतौर से सेना की तरफ से, वायुसेना की तरफ से सरकार को इस बात के संकेत दिए गए हैं कि एक बार जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, राजनीतिक नेतृत्व है देश का, उसकी तरफ से, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हरी
डंडी मिलने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की जा सकती, खासतौर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। और हमारे जो सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, सेना इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी लाइन खींचना चाहेगी, एक ऐसा ऑपरेशन जिससे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो आतंकी कैंप हैं, जहाँ से लगातार कश्मीर में सेना को निशाना बनाया जाता है, हमारे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है, उसको लेकर कोई बड़ा ऑपरेशन, चाहे उसमें तमाम सेनाओं के पास विकल्प हैं, हवाई हमले के विकल्प हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर विकल्प हैं, तो इन सारी चीज़ों पर सेना की तैयारी है, उसको लेकर ग्राउंड असेसमेंट लगातार किया जाता रहा है। वहाँ से जो ग्राउंड पर कश्मीर में जो सुरक्षा बल हैं उनसे फीडबैक ली जा रही है, और इस वक्त भी सेना मुख्यालय में सेना प्रमुख थोड़ी देर के बाद समीक्षा।